हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल पुष्पलता किचन। पुष्पलता किचन को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको नेक्स्ट रेसिपी का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। फ्रेंड्स, आज मैंने बनाया है इंस्टेंट रवा टोस्ट और ये बहुत ही क्रिस्पी और टेस्टी होता है और झटपट रेसिपी है, टिफ़िन रेसिपी है। अब कुछ भी नहीं समझ में आया तो आप झटपट इसको बना के बच्चों के टिफ़िन में भी रख सकते हैं। तो चलिए मैं बनाती हूँ, कैसे मैंने बनाया है बताती हूँ। रवा टोस्ट बनाने के लिए मैंने ये एक बाउल दही लिया है, एक बाउल सूजी लिया है और मैंने ये वाटर लिया है। ज़रूरत के जितना अनुसार मैं डालूंगी इसके अंदर। अब मैं इसके अंदर एक बाउल लूंगी, उसके अंदर मैं कर्ड को ऐड करूंगी और उसको थोड़ा सा बीट कर लूंगी हल्का सा। और ये दही मैंने डाल दिया है। पानी आपको ज़्यादा नहीं डालना है, पहले हमें इसको बीट कर लेना है। जितना हमें ज़रूरत होगी उसके अनुसार ही मुझे वाटर ऐड करना है। अभी मैं इसको अच्छे से मैंने बीट कर लिया है। अब इसके अंदर मैं जो मैंने सेमोलिना लिया है या रवा या सूजी, कुछ भी आप बोल सकते हैं, इसको रवा सूजी और सेमोलिना के नाम से भी जानते हैं। और अब अभी थोड़ा ड्राई है तो मैं इसके अंदर वाटर ऐड कर रही हूँ। जितना कर्ड होगा जितना उतना ही हमको रवा भी लेना है तो हमारा बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। और बहुत थिक भी नहीं होना चाहिए और बहुत पतला भी नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर वो अच्छे से नहीं होगा। अब मैं कवर करके मैंने इसको 10 से 20 मिनट रख दिया है। अब इसके अंदर मैं ऐड करने के लिए ओनियन और टोमेटो और जिंजर और गार्लिक और धनिया चॉप किया हुआ लिया हुआ है, इसके अंदर मैं ऐड कर लूँगी। और अभी देखिए मेरे सूजी फूल गई है और एकदम अब इसके अंदर परफेक्ट है। और इसके अंदर मैं अदरक ऐड कर रही हूँ और ग्रीन चिली, ऑनियन और कोरिएंडर और टोमेटो, इस सबको हम ऐड कर लेंगे, एक साथ ऐड करके मिक्स कर लेंगे अच्छे से, उसके बाद बनाएंगे। तो और अब स्वाद के अनुसार हम इसके अंदर नमक ऐड कर लेंगे। फ्रेंड्स, मैं नमक और ये मैंने थोड़ा काली मिर्च लिया है और वो भी ऐड कर लेंगे, इससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है। और ये मैं थोड़ी सी चिली लिया है और आप अपने टेस्ट के अनुसार ले सकते हैं और स्किप भी कर सकते हैं। अगर बच्चों को आप बना रहे हैं तो स्किप कर सकते हैं चिलीज़ को। ये थोड़ा सा मैंने इसके अंदर टेस्ट के अनुसार सब्जी मसाला ऐड किया है। अब मैं दो ब्रेड के स्लाइस लिया है और उसके ऊपर ये जो मैंने बनाया है सेमोलिना का बैटर, उसके ऊपर मैं धीरे धीरे इस तरह से करके मैं रख दूँगी। और फ्रेंड्स, इसको एक साइड से ही लगाना है, दोनों साइड से नहीं लगाना है। एक साइड से सेमोलिना रखेंगे और एक साइड से हम उसको सेकेंगे क्रिस्पी एकदम। और इतना टेस्टी होता है कि आप एक बार बनाएंगे तो फिर बार बार बनाएंगे और इतना जल्दी और इतना आराम से बनता है कि आप हमेशा बना सकते हैं। अब मैंने ये तवा गर्म कर दिया है, उसके ऊपर ऑयल डाल दिया है और तवा अच्छे से हीट हो जाना चाहिए। फिर मैं मीडियम फ्लेम पे इसको हमको क्रिस्पी करना है। तो हमको पहले सेमोलिना के साइड से रखना है जिधर से हमने बैटर लगाया है और चारों तरफ से हमें ऑयल डाल दिया है मैंने। और उसके बाद ऊपर से मैं थोड़ा ऑयल लगा लूँगी इसके ऊपर ताकि अच्छे से क्रिस्पी हो। दोनों साइड से हमको नहीं लगाना है सेमोलिना बैटर को। अब इसको ऐसे दबा दबा के अच्छे से सेक लेंगे। देखिए एकदम आराम से ये उठ जाता है इस तरह से। तो इस तरह से हम देखिए पलट लेंगे इस तरह से, देखिए। और दोनों को मैंने इस तरह से कर दिया। अब हमको एकदम लो टू मीडियम फ्लेम पे इसको सेकना है और एकदम क्रिस्पी होने तक सेकना है हमको। और उसके बाद हम इसको सर्व करेंगे और बहुत ही अच्छा, इसको आप चटनी के साथ और चाय के साथ किसी के साथ भी आप सर्व एकदम। देखिए मीडियम फ्लेम, लो फ्लेम पे हमने रखा है इसको। और इसको अंदर अगर कलर आपको चाहिए तो थोड़ा सा आप पिंच हल्दी भी ऐड कर सकते हैं बैटर के अंदर, वो आपकी चॉइस है, ऐसे भी आप कर सकते हैं। देखिए कितना क्रिस्पी हो गया है, एकदम परफेक्ट, एकदम क्रिस्पी हो गया है हमारा टोस्ट। और बच्चों के टिफ़िन में रखेंगे तो बच्चे भी बहुत अच्छे से और बहुत हेल्दी भी है। मैंने ब्राउन ब्रेड का यूज़ किया है और उससे और भी हेल्दी हो गया है। और सेमोलिना तो बहुत ही हेल्दी होता है, तो इसी तरह से मैंने दूसरा भी रख लिया है और उसको भी मैं इसी तरह से सेक लूँगी दोनों साइड से। तो फ्रेंड्स, देखिए मैंने अपने टोस्ट को सर्व कर दिया है और इस तरह से देखिए कितना अच्छा लग रहा है, कितना दिख रहा है अच्छा, और खाने में तो बहुत ही अच्छा है। तो एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को और ज़रूर बनाइएगा। देखिए अब ये मेरा हो गया है, दूसरा भी मेरा सीख गया है।
तो इसके दूसरा रेडी हो गया है, उसको भी मैंने रख दिया है और अब मैंने सर्व कर दिया है। और अगर फ्रेंड्स आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आती है तो लाइक कमेंट शेयर कीजिए, फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर कीजिए, तो और ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको कैसी लगी। मिलती है अपने नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स।